एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए वेस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्टिंग का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि ये कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस के अंदर अर्ली स्टेजेस में पहले कोर डिकम्प्रेशन के बारे में बहुत बात होती थी कि करना चाहिए कोर डिकम्प्रेशन, लेकिन कोर डिकम्प्रेशन का सक्सेस रेट जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि 50-70% है, वो भी केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर, जिनके केस में हमें लगता है कि इनको शायद 70% चांस है बेनिफिट मिलने का, तो उनके अंदर फिबुला ग्राफ्टिंग की जाती है। फिबुला हमारे टांग की एक हड्डी होती है, जैसे कि ये मॉडल में मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारे जांग है और ये टांग है, ये बड़ी हड्डी है टांग की, इसको टिबिया कहते हैं, और ये छोटी हड्डी है इसको फिबुला कहते हैं। इस हड्डी को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे चलने में फिरने में कोई काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या किया जाता था कि उस हड्डी का एक छोटा सा पीस निकाल के और उसको जहां पर वीक पार्ट से आपने, जहां पर डेड बोन आपने निकाली, एवास्कुलर बोन जहां आपने निकाली, वहां उसको लगा दिया जाता था, इंपैक्ट कर दिया जाता था ताकि हेड कोलैप्स नहीं करे। तो इस सर्जरी के जो कि फ्री फिबुला जिसको कहते हैं, जब उसको डाला जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा, हम हर महीने 3 या 4 फेल्ड फिबुलर ग्राफ्टिंग के पेशेंट ऑपरेट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री फिबुलर ग्राफ्टिंग, जिसमें कि फिबुला को निकाला और उसको लगा दिया फीमर हेड के अंदर। आमतौर पर मैंने देखा है वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती और बहुत पेशेंट्स को हम टोटल हिप सर्जरी में, यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं उनकी सर्जरी के 6 से 8 महीने में। पेशेंट्स को इस सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा पेन रिलीफ भी नहीं मिलता है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स का आपने सुना होगा कि उनका कामयाब हो गया, श्योर, इसीलिए हम बोलते हैं कि सक्सेस रेट 100% नहीं है, 50-70% है। कुछ पेशेंट्स में फायदा होता है, पर हम ये सर्जरी नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 30-50% पेशेंट्स में ये फेल हो रहा है, इसके लिए हम उसको नहीं करते हैं। तो अगर मुझे अर्ली स्टेज में पेशेंट को ट्रीट करना है, जब पेशेंट का टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने की मुझे लग रहा है अभी जरूरत नहीं है, तो उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट देकर ट्रीट करते हैं, या बिल्कुल जो स्टेज 1 के अंदर अर्ली स्टेज में पेशेंट डायग्नोस हो जाते हैं उनको कोर डिकम्प्रेशन करते हैं, तो उनको फिबुला की वैसे भी जरूरत नहीं होती। नाउ हिज क्वेश्चन इज अबाउट वैस्कुलराइज्ड फिबुला। वैस्कुलराइज्ड फिबुला क्या होती है? जब हम उस फिबुला को उसकी खून की नसों के साथ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए एक प्लास्टिक सर्जन के साथ टीम अप करके उसकी मसल अटैचमेंट के साथ उसको वहां से निकालते हैं और फिर उसको हेड में डालते हैं फीमर के, और जो उसकी खून की नसें थी उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारी हिप की ब्लड सप्लाई है उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फिबुला आपने लगाई सपोर्ट के लिए उसमें खून का दौरा भी होता है, वो फ्री फिबुला नहीं है, वो वैस्कुलराइज्ड फिबुला है, उसमें खून का दौरा जाता है। यूजुअली इन माई प्रैक्टिस आई डोंट डू इट। लिटरेचर में फ्री फिबुला ग्राफ्टिंग से डेफिनेटली बेटर है वैस्कुलराइज फिबुला के ग्राफ्ट, लेकिन ये बहुत पॉपुलर सर्जरी नहीं है और बहुत ही कम सर्जन इसको करते हैं। सक्सेस रेट इसके बाद भी मोर और लेस THR के बराबर तो नहीं आता है, मतलब THR का सक्सेस रेट इज 99-100%, लेकिन कोर डिकम्प्रेशन का जो सक्सेस रेट है विद वैस्कुलराइज फिबुला इज नॉट एट दैट लेवल, इट इज लेस देन दैट। यू कैन गेट इट डन अगर आपको लगता है और आपके सर्जन को लगता है यू क्वालिफाई फॉर इट, बट इन माई एक्सपीरियंस इट मे नॉट हेल्प एंड इट मे हेल्प, but it is definitely better than free fibular grafting.